अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून, मेरा नाम हसन इमाम है, आओ बात करें। अच्छा जनाब, मैं अभी मौजूद हूँ शारजा में और मैं पिछले दो दिन से यहाँ पर आया हूँ और अभी मैं अपनी सिम ख़रीद कर, पीछे जो आपको ग्रीन बिल्डिंग नज़र आ रही है, इत्तिसालात का ऑफिस है, मैं यहाँ से अपनी सिम ख़रीद कर वापस आ रहा हूँ। दो दिन में मैं बहुत बोर हो गया हूँ। मतलब यहाँ पर ना तो कचरा है, ना धूल मिट्टी है, ना गाड़ियों का धुआँ है। मतलब जो हमें आदत है गंदगी में रहने की या धूल मिट्टी, और जब तक हमारे फेफड़ों में ना जाए काला धुआं गाड़ियों का, तो हमारे फेफड़े बोर हो जाते हैं। तो दो दिन में मुझे यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। यहाँ का ट्रैफिक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है और मैं जहाँ पर ठहरा हुआ हूँ, मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊँगा कि वहाँ से सामने एक पार्किंग नज़र आती है और वो इतनी ऑर्गेनाइज्ड है कि मैं ही सोच रहा था कि अगर ये हमारे मुल्क में हो। अच्छा, वो फ्री पार्किंग है, वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पर तीन किस्म की पार्किंग होती हैं, पेड पार्किंग होती है, वहाँ पर वो खुद से ऑर्गेनाइज करवाते हैं, लेकिन जो मैं आपको दिखाऊंगा वो फ्री पार्किंग है। और मुझे हैरत इसी बात पे है कि वो फ्री है और वहाँ पर कोई ऐसा कोई उसको ऑर्गेनाइज कराने वाला नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर इतना सिविक सेंस मौजूद है कि लोग खुद से बड़ी तमीज़ से वहाँ गाड़ियाँ पार्क करते हैं, इस बात का ख्याल रखते हुए कि किसी दूसरे बंदे को गाड़ी निकालने में मसला ना हो। और रोड क्रॉस करने का यहाँ पर एक सिस्टम है जो मैंने देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे यहाँ तो ओवरहेड ब्रिजेस बने हुए हैं तब भी हम उसको यूज़ नहीं करते। यहाँ पर एक सिग्नल लगा हुआ है, जब आपको रोड क्रॉस करना हो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास, तो आप वहाँ एक बटन है उसको दबाएंगे तो वो गाड़ियों को रोक देगा और फिर आप वहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। ये तो चलो सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन मज़े की बात यह है कि जब सड़क खाली होती है तब भी लोग ऐसा नहीं करते कि वो बग़ैर उस सिस्टम को यूज़ किए वहाँ से निकल जाएं। लोग तब भी उसको वो बटन दबाते हैं, सिग्नल रेड होता है, गाड़ियाँ रुकती हैं और फिर वो वहाँ से जाते हैं। मैं कल जा रहा था तो मैं खड़ा वही देख रहा था कि रोड खाली है, बआसानी आप निकल सकते हैं, लेकिन लोग उस कानून को फॉलो कर रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने सोचा आप लोगों को शेयर करनी चाहिए ये वाली बात। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई दुनिया से अनोखी बात नहीं है और सब हमारे यहाँ भी हो सकता है। कोई ऐसी, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी अनोखी बात है, सिर्फ अपने अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने, लोग कहते हैं कि हुकूमतें सख्त होती हैं, कानून सख्त होता है, बिल्कुल यहाँ पर है ऐसा, लेकिन लोग भी बड़े ऑर्गेनाइज हैं। वही वाली बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि लोगों के अंदर सिविक सेंस मौजूद है। बाकी और क्या तफसीलात हैं यहाँ की, वो मैं आप लोगों से टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। घर आ गया मेरा, यहाँ पर मैं स्टे कर रहा हूँ और बाकी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगा। ओके, थैंक यू।